जमशेदपुर में छठ महापर्व को लेकर खरीदारी जमकर हो रही है। उधर जिला प्रशासन की सुरक्षा को लेकर किए गए तमाम दावों को चोर धत्ता बताकर पुलिस की मौजूदगी में बड़ी आसानी से चोरी की घटना को अंजाम देकर चलता बना। मामला जमशेदपुर के सिद्धगुड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां सूर्य मंदिर धाम में स्वयंसेवी संगठनों एवं राजनीतिक दलों की ओर से निःशुल्क पूजन सामग्री का वितरण किया जा रहा था, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसी बीच एक श्रद्धालु का स्कूटर सूर्य मंदिर धाम के पार्किंग से खुलेआम चोर लेकर चलता बना, जहां मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बन देखते रहे। उन्हें इसका तनिक भी आभास न हुआ कि जो युवक आसानी से स्कूटर पार्किंग से लेकर निकाल कर जा रहा है, दरअसल वह चोर है। वहीं पूजन सामग्री लेकर स्कूटर का मालिक जैसे ही पार्किंग में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। पार्किंग में उसके स्कूटर नहीं थे, वैसे स्कूटर उनका भी नहीं था। उन्होंने अपने पड़ोसी का स्कूटर पूजन सामग्री लेने के लिए लिया था। वैसे पूरा घटनाक्रम CCTV में कैद हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिला प्रशासन की नाक के नीचे से चोर इतनी आसानी से गाड़ी चुरा ले गया और किसी को शक भी ना हुआ। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति द्वारा सिद्धगुड़ा थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है, जहां पुलिस छानबीन में जुट गई है। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। वो हम अपने दोस्त का स्कूटर लेके आए थे बजाज क्लासिक, और यहाँ पर लगा के छठ कर यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए अंदर गए, और अंदर से ले के जब निकले हैं उसके बाद बहुत देर से हम खोज रहे, प्रशासन भी भरी हुई है, सबको बोले भी तो बोले जाइए अपना थाना में लिखाइए, और गाड़ी गायब हो गया और चोर आया, सामने CCTV कैमरा में भी दिख रहा सब कुछ। हाँ सब आया हो तो चाबी उसके पास है, घुसा देख रहा, निकाल के CCTV कैमरा में खोला, आराम से स्टार्ट किया, की बार लेके गायब हो गया।